अरे योगी जी, इस हाथी को जल्दी भगाओ, जल्दी भगाओ, नहीं तो ये सारे गन्ने खा जाएगा अपने। एक तो फसल वैसी कम हुई है और ऊपर से सारे गन्ने ये खा जाएगा। भाई जल्दी हटा दो, अरे जल्दी हटा दो भाई, जल्दी हटाओ। अरे जहाँ खेत में 100 क्विंटल गन्ना होता था, वहाँ मुश्किल से 20 क्विंटल गन्ना पैदा हुआ है। इस बार पैदावार भी कम हुई है, ऊपर से ये हाथी कहाँ से आ गया, मुझे लगता है सारे गन्ने खा जाएगा। अरे ये तो बड़ा चाव से खा रहा है, हटाओ जल्दी हटाओ। अरे मोदी जी, ये भले ही सारे गन्ने खा जाए भाई, मैं नहीं हटाऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा। ये तो उल्टा सवार हो जा रहा है, अगर इसे हटाने को जरा सा भी डंडा लहरा रहे हो। ऐसा आइए, थानेदार साहब आ गए, ये ही हटाएंगे। थानेदार साहब जरा हटाना है इस हाथी को, नहीं तो ये सारे गन्ने खा जाएगा हमारे, लगता है एक भी गन्ना नहीं छोड़ेगा, जल्दी हटाओ। अरे लालू जी, तुम क्या पीछे बैठे ही रहोगे, आराम से आगे आ जाओ। अरे भाई, हाथी तो वैसे भी गन्ने के शौकीन होते हैं, ये ट्रैक्टर यहीं पे छोड़ो और आराम से घर गहरी नींद लेके सो जाओ। ये सारे के सारे गन्ने इसी को खिला दो, खा लेगा, इसका भी पेट भर जाएगा। अरे गन्ना ही तो खाता है हाथी, और क्या खाता है। अरे योगी जी, कैसे अजीब आदमी को बुलाया है तुमने, ये तो उल्टा गन्ने खिलाने की बात कर रहा है, समझे। अरे भाई साहब, इस हाथी को हटाओ, नहीं तो ये सारे गन्ने खा जाएगा, कितनी बार बोलू मैं। लालू जी आगे क्यों आएंगे, वो तो आराम से पीछे दुब के बैठे, कहीं हाथी उल्टा उन्हीं के ऊपर ना झपट पड़े। हट हट, हाथी हट जा, हट जा। भाई ये हट नहीं रहा है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं तो यहाँ से भाग के जा रहा हूँ। अपनी अपनी जान बचा के भागो, भूल जाओ कोई गन्ना भी था तुम्हारा, भूल जाओ, मैं भी भाग रहा हूँ यहाँ से। भाई मैं नहीं हटा पाऊंगा, ये तो उल्टा सामने को सवार हो रहा है, बिल्कुल खड़ा हो जा रहा है दो पैरों पे। अरे योगी जी, ये थानेदार भी भाग गए, अब क्या होगा, अब तो लगता है गन्ने को भूलना ही पड़ेगा, सारा गन्ना यही खा जाएगा हाथी, कुछ नहीं बचेगा अब। अरे भूल जाओ सारे गन्ने को, एक तो फसल वैसी कम पैदा हुई थी। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।